कुछ लोगों को जब सडनली डायग्नोस होता है कि पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर है या क्रॉनिक लीवर डिजीज है, तो उन्हें लगता है कि ये कोई लीवर का शायद कैंसर है। सो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सिरोसिस ऑफ लीवर इज इक्वल टू कैंसर? सो नहीं, दोनों दो अलग अलग डिजीज है। कैंसर एक डिफरेंट स्टोरी है और सिरोसिस ऑफ लीवर एक डिफरेंट स्टोरी है। दोनों के होने के कॉजेस अलग अलग है, लेकिन जब आप सिरोसिस ऑफ लीवर की बात करें तो इस केस के अंदर जो लीवर्स के सेल्स है वो फाइब्रोस होने लगते हैं और धीरे धीरे जो लीवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, लॉस होने लगता है, एंड इस सिचुएशन को सिरोसिस कहा जाता है। अब सिरोसिस ऑफ लीवर कैंसर तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे स्किल डॉक्टर जिसे अवेयरनेस है, नॉलेज है उसे ठीक करने का, उसको कांटेक्ट नहीं करते हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर को क्या डाइट देना, वो अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है इस बारे में, और ये दोनों ही चीजों को आप सही तरह से नहीं कर रहे हैं, नंबर 1 राइट डॉक्टर, नंबर 2 प्रॉपर डाइट। सो अगर दोनों ही चीजें राइट वे में नहीं हो रही है, देन इट इज नॉट लेस देन कैंसर, ये कैंसर से कम भी नहीं है। ओवर अ पीरियड धीरे धीरे आपकी कंडीशन को खराब करेगा और इसका एंड रिजल्ट बहुत ही बुरा होता है। सो ऐसा नहीं है कि इस केसेस में रिजल्ट नहीं मिलते हैं या रिकवरी नहीं है, रिकवरी भी है, पेशेंट ठीक भी होते हैं, अच्छा रिजल्ट भी है, लेकिन ये दोनों ही चीजें जो मैंने बताया उसे आपको अच्छे से समझना है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका ट्रीटमेंट कोई शॉर्ट या क्विक या मैजिकल कहीं नहीं मिलेगा, आपको इस बात को भी समझना है। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, कई केसेस में 5 साल भी लगता है, 10 साल भी लग सकते हैं आपको एक सही डॉक्टर के अंडर में और एक राइट ट्रीटमेंट विथ राइट डाइट प्लान के साथ चलना है। डेफिनेटली आप इस बीमारी से ओवरकम कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।